पितामह भीष्म बोले, हे गोविंद, वह दिन मुझे याद है। दुर्योधन ने मुझे आके कहा था, हमारी सेना हताहत हो रही है, पांडवों की सेना में कोई हताहत नहीं हो रहा है। तो मैं आवेश में आकर मैंने प्रतिज्ञा की कि कल मैं एक वीर को मार दूंगा, इसका मतलब अर्जुन को मार दूंगा, और अर्जुन मतलब मरने का मतलब महाभारत समाप्त। और पितामह भीष्म ने दुर्योधन को कहा, हे दुर्योधन, आप अपनी पत्नी को जब मैं ध्यान में हूं भानुमति को आशीर्वाद लेने भेजना। अब यहां ध्यान दें, रात हुई, भगवान कृष्ण पार्थ के शिविर में प्रवेश करते हैं, अर्जुन सो रहा है, द्रौपदी चरण दबा रही है। भगवान बोले, अर्जुन, हाँ केशव, आप सो रहे हो? कि हाँ। अरे कल तुझे पितामह भीष्म से लड़ना है, पता है? पता है केशव। और कल पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, कल तुझे मरना है। जानता हूं केशव। अरे पगले, कल लड़ने की योजना तैयार कर, सो मत। अर्जुन बोले, गोविंद, जगत की चिंता करने वाला जब जग रहा है तो मेरे जगने से क्या होता है? भगवान बोले, तो बड़ा समझदार निकला। भगवान बोले, अच्छा सो जाते। देखो भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। भगवान एक रूप से द्रौपदी बने और एक रूप से द्रौपदी को पितामह भीष्म के पास ले जा रहे हैं, और भगवान द्रौपदी बनकर चरण दबा रहे हैं। आज काली कमलिया की जगह साड़ी है, मुरलिया की जगह नथुलिया है, है ना? आज पितामह भीष्म ध्यान में क्या देख रहे हैं? आज मुरलिया नहीं नथुलिया नजर आ रही है, कमलिया नहीं चुनरी नजर आ रही है। और भगवान रास्ते में बैठ गए, भानुमति आई, बहन कहां जा रही हो? पितामह भीष्म के पास। बड़ी पगली है, अरे बाबा सो रहे होंगे, रात में क्या करोगी? कल चले आना, लौटा दी। और द्रौपदी को लेकर भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे। द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। इन्होंने समझा, भानुमति आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। मेरे गोविंद मुस्करा रहे हैं। और द्रौपदी कहती है, एक बात पूछूं पितामह, आपका कौन सा आशीर्वाद सही है? जो आपने युद्ध के मैदान में प्रतिज्ञा की है वो सही है, या आशीर्वाद दे रहे हो वो सही है? पितामह भीष्म बोले, बेटी पहले तू ये बता, तुझे यहां लाया कौन है? देखा तो सामने गोविंद खड़े हुए हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे। मेरी बेटी, कल जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह तो मैंने जोश में की थी, होश में नहीं की थी। वह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी मुझे पता है, पर जो मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं यह आशीर्वाद जरूर पूरा होगा।